पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने वाला है। इससे पहले सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। वे काफी दिनों से पार्टी से दूरी बनाए हुए थे। रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से वे काफी नाराज चल रहे थे। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी अरविंद केजरीवाल जी। जिस गुंडे ने मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा, जब तक वो जेल में था आपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसे बचाने के लिए खड़ी करी। मेरे खिलाफ पीसी पर पीसी करवाई। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जनस्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं और इसे लेकर सियासी पारा हाई है। उन्होंने 2 अक्टूबर को संगठन के दल बनाने से पहले एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में जनस्वराज ही नजर आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 2 वर्षों से वे चलते आ रहे हैं और अब लोग मानते हैं कि बिहार में सुधार जनस्वराज से ही होगा। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अपने खेमे को मजबूत करने के लिए सभी दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रेवाड़ी में जनसभा करेंगे। यहां 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। पिछले चुनाव में भी यहां भाजपा के पक्ष में लहर नहीं थी, इसलिए पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीते दिनों महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनकाउंटर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी। अगर कोई पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस तालियां नहीं बजा सकती। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मुठभेड़ों में विश्वास नहीं करते और मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कानून का पालन किया जाना चाहिए। कर्नाटक में सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान हो गई है। भाजपा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को राज्य में जाँच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली है। हरियाणा चुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर से प्रचार कर रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो साबित करिए। आप साबित ही नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में मेरा नाम लेते हैं लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाते। कल्पना सोरेन ने मऊ भंडार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि कोल्हान वीरों की भूमि है। पूर्वजों ने इस धरती से अंग्रेजों को भगा दिया था। वीरों के आप वंशज हैं, खून में त्याग और परिश्रम है। ये कभी झुकते नहीं, कभी समझौता नहीं करते, डटकर हमेशा रास्ता बना लेते हैं। राजधानी दिल्ली में नगर निगम की टीम ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। निगम ने शाहदरा उत्तरी जोन में कई जगह अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान रेहड़ी ठेली काउंटर समेत काफी सामान को जब्त किया गया है। हालांकि लोगों ने विरोध किया लेकिन निगम की टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। नोटिस के अनुसार महाजन ने चंबा की अपनी हालिया यात्रा के दौरान कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। पठानिया ने कहा कि महाजन ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं जो अध्यक्ष और सदन के सदस्य की गरिमा के खिलाफ हैं।